इफेक्टिव कैपेसिटेंस चाहिए। किस में का इफेक्टिव कैपेसिटेंस चाहिए? देखो ए और बी में का। अब ए और बी में इफेक्टिव कैपेसिटेंस चाहिए हमको, तो याद रखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारा यहाँ पे, कि ये ब्रांच फिर से आ रहा है और इन्फिनिटी तक है। मतलब हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ से रिपीट रिपीट हो रहा है, यहाँ से देखो रिपीट हो रहा है, एक ब्रांच एक लूप पूरा इधर से आगे आ रहा है, फिर यहाँ से रिपीट रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से रिपीट रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखो, ये जो रिपीट आ रहा है ना, ये इन्फिनिटी तक है, तो समझो हम इन्फाइनाइट का यक्स है। यहाँ इसको मैं ए डैश बी डैश बोलता हूँ, तो मेरा इसको ब्रेक किया मैंने, ये भी मैं देखो अब इसको मैंने ऐसा किया, ये बी और ये सी, हाँ आगे ये भी सी है जा रहा, आगे इसको ब्रेक किया मैंने ए डैश बी डैश। अब हम क्या मानेंगे, ये ए डैश बी डैश का इफेक्टिव कैपेसिटेंस हम मान देंगे, देखो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो हम मान देंगे ए डैश बी डैश का। कितना मानेंगे, देखो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हम ए और बी में का, ध्यानपूर्वक देखो, वो हम मान देंगे यक्स। कितना मान देंगे बताओ, यक्स, हाँ। तो ये पूरा जो था इसको हम यक्स मानेंगे, यक्स, हाँ, ये ए और बी डैश का मतलब यहाँ से और इन्फिनिटी से मैं एक निकाला क्या, एक ऐड किया क्या, मतलब इन्फिनिटी से ये मैंने, ये इन्फाइनाइट है तो इतना एक निकाला मैंने, तो इन्फिनिटी से एक निकाला क्या और एक ऐड किया क्या, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, याद रखो। मतलब एक निकालता हूँ और ए डैश बी डैश में लेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए डैश एंड बी डैश कितना मानता हूँ, यक्स। ये पूरा यक्स है तो इसमें एक ऐड करता हूँ, इन्फिनिटी में से एक सम एक ऐड किया क्या और एक गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। समंदर से एक लोटा निकला क्या और ऐड किया क्या, फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैं शुरू किया और एक ऐड किया, ये इतना पार्ट ऐड किया, कौन सा पार्ट ऐड किया, देखो मैंने ये इतना पार्ट ऐड किया मैंने इसको, राइट। तो अब क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखो, हमारा क्या होगा यहाँ पे बताओ बरा, ये भी एक्स मानता हूँ। यहाँ कन्फ्यूज होते स्टूडेंट, ए डैश और बी डैश में भी एक्स है और ये भी में यक्स, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी सीरीज़ है, इन्फिनिटी में ये डैश बी डैश में यक्स मान रहा हूँ, तो ये एक सीरीज़ उसमें ऐड कर रहा हूँ, तो कुछ इस सीरीज से इन्फाइनाइट का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। चलो अब शुरू करेंगे, तो क्या होगा, देखो ए और बी में का यक्स मानता हूँ, तो सी ए बी इक्वल टू यक्स कैसे आएगा, ये सी को ये दोनों पैरेलल में आए और ये दोनों सीरीज़ में है, मतलब ऐसा आएगा, ये सर्किट पहले मैं सर्किट बताता हूँ कैसा आएगा, देखो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखो कैसा आएगा, ये कितना था मेरा सी और ये सी प्लस एक्स था, ये सीरीज़ में कितना आएगा, देखो सी एक्स बाय सी प्लस एक्स, ये भी झाल ए डैश बी डैश ए सॉरी ऐसा ही रहें दोनों सीरीज में। अब ये दोनों पैरेलल में और ये भी एक्स मानता हूँ मैं, ये भी एक्स मानता हूँ, तो क्या आएगा सी ए बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू सी प्लस सी एक्स बाय सी प्लस एक्स। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, सी ए बी मतलब एक्स है तो कितना आएगा एक्स, इसको इधर सॉल्व करेंगे एक्स सी इधर जाएगा, एल सी एम निकालेंगे, सी प्लस एक्स प्लस सी एक्स बाय सी प्लस एक्स, इधर आएगा एक्स सी प्लस एक्स सी सी प्लस एक्स प्लस सी एक्स अंदर। अब हम कैसा लिखेंगे, देखो सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स, सी एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। बस अब ये मिल गया,
इसे हम कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कौन से स्टैंडर्ड इक्वेशन से बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर से कंपेयर किया, तो ए इक्वल टू कितना आया? 1। बी इक्वल टू कितना आया बोलो? बी इक्वल टू आया माइनस सी, और सी स्क्वायर एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है ना, सॉरी एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी के बराबर क्या आया बोलो? सी स्क्वायर। जान अब करेंगे इसको सॉल्व हम। सी इक्वल टू सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस, अब इसके रूट्स पता है तुम्हें, अल्फा इक्वल टू, और आंसर जो भी रहेगा हमारा रिजल्ट कैपेसिटेंस मतलब एक्स इक्वल टू क्या मिलता है? माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। चलो अब क्या करो दोस्तों, सॉल्व करो। एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस सी प्लस और माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस सी स्क्वायर माइनस फोर, ए के जगह 1, सी के जगह कितना आएगा? सी स्क्वायर बाय टू ए के जगह 1। तो कितना आंसर मिल जाएगा देखो बरा, आंसर कितना आएगा देखो, जरा देखो आंसर कितना आएगा। एक्स इक्वल टू ये प्लस सी आया प्लस माइनस ये सी स्क्वायर, हाँ, और ये देखो ये बी माइनस सी था और ये सी स्क्वायर सी जो था वो माइनस सी स्क्वायर था माइनस सी, तो माइनस माइनस फोर प्लस सी स्क्वायर बाय कितना आया? 2। जालो अब इसे सॉल्व कर देंगे हम, तो एक्स इक्वल टू कितना आया? सी प्लस और माइनस फाइव सी स्क्वायर बाय सी, मतलब इसे सॉल्व कर देंगे सी प्लस और माइनस सी रूट फाइव बाई टू, तो क्या आएगा? एक्स इक्वल टू सी कॉमन आएगा, सी कॉमन मिल जाएगा तो क्या मिलेगा? 1 प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। जा तो ये आंसर मिल गया हमारा। ओके अब इसमें ही अलग प्रॉब्लम कैसा बनता है मालूम है क्या? ये इसको ऐसा बोलता है, इसको सब कोई सी इक्वल टू सभी सी इक्वल टू 1 माइक्रो फैराड लेता हूँ, तो कितना आएगा? एक्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ए बी 1 ले लो तो कितना आएगा? 1 माइनस नेगेटिव साइन तो नहीं रहता आंसर, नेगेटिव कैपेसिटेंस मत लो, 1 प्लस रूट फाइव बाय टू। चलो ये आंसर मिल जाएगा। अब रूट फाइव का वैल्यू पुट करके आ जाता है, अगर सभी 2 रहता तो कितना आता था? ये 2 कैंसिल होता था, हाँ सभी सी इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड रहता था ऊपर के डायग्राम में, तो ये 2 इक्विवेलेंट ऐसा आता था एक्स और सी ए बी, ये 2 आता था 1 प्लस माइनस रूट फाइव बाय 2 आता था, 2 कैंसिल तो 1 प्लस और माइनस फाइव, ये हमारा आंसर आ गया माइक्रो फैराड। झालो राइट अब क्या कर देंगे देखो, एक इधर 1 रहता था इधर 2 रहता था इधर 1 रहता था इधर 2 रहता था इधर 1 रहता था इधर 2 रहता था इधर 1 रहता था, ऐसा कहाँ तक रहता था बोलो? इन्फिनिटी तक रहता था। अब इसे सॉल्व करो बरा कैसे आता था, चलो ऐसा ही ब्रेक करो अभी यहाँ से इसको देखो बरा, अब यहाँ से ब्रेक करो इसको, अब इसको ब्रेक करें तो कैसा होता है देखो, ये ए डैश बी डैश हमें ए बी में निकालना है, तो क्या होगा देखो, ये पूरे को मैं एक्स मानता हूँ, ए बी में एक्स मानता हूँ, हाँ ए और ये बी में एक्स मानता हूँ, और आगे ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, और आगे ये भी सब एक्स हो गया। जाल अब क्या कर देंगे बताओ, एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x बाय 2 प्लस एक्स, इसी को मैं ऐसा लिखता था एक्स 2 प्लस एक्स प्लस 2x बाय 2 प्लस एक्स, एक्स 2 प्लस एक्स
टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स टू एक्स कैंसिल एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसको अब हम क्या कर देंगे, देखो इसको ऐसा करता हूँ, क्वाड्रेटिक नहीं निकलता, एक्स कॉमन निकलता हूँ, एक्स माइनस टू उसके बाद लेता हूँ प्लस वन, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू एक टू आता था, एक्स इक्वल टू माइनस वन, निगेटिव वैल्यू नहीं रहता है, छोड़ दो, तो एक्स इक्वल टू कितना मिला, टू माइक्रोफेराड। सर ए हैज़ अ कैपेसिटी 15 माइक्रोफेराड, ए दिया है उसका 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस है, ओके इसे सी वन बोलता हूँ, और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है 15 उसकी। अनदर कंडेंसर कौन है, देखो बी, कैपेसिटी दिया है उसका सी टू बोलता हूँ 1 माइक्रोफेराड, और ये रहे इसके अंदर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, वी वन 100 वोल्ट, वी टू कितना है बोलो, ये भी 100 वोल्ट है। आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग होने के बाद दोनों को, अब पहला चार्ज कितना आएगा, क्यू वन 1500 माइक्रोकूलम, क्यू टू कितना है 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग पैरेलल में कनेक्ट किया है उनको, ये सब पैरेलल में कनेक्ट किया जला, एंड डाइलेक्ट्रिक रिमूव किया, अब पैरेलल में किया और पहले का जो डाइलेक्ट्रिक था वो रिमूव किया, तो के 15 था तो पहले का भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। लेकिन बैटरी डिसकनेक्टेड में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो चार्ज कांस्टेंट में करो कॉमन पोटेंशियल क्यू वन प्लस क्यू टू बाय सी वन प्लस सी टू, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू, क्यू वन क्यू टू ले रहा जला। अब क्यू वन पहला कितना था, देखो पहला था 1500 माइक्रोकूलम, दूसरे पे 100 था, अब सी वन कितना था, पहले 15 था लेकिन डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया तो 1 हो गया, क्योंकि आइडेंटिकल इधर आइडेंटिकल है, दोनों में खाली डाइलेक्ट्रिक का, ये भी 1 हो गया, तो वी कितना आएगा 1600 बाय 2, तो दोनों के अक्रॉस 800 वोल्ट आएगा अक्रॉस ईच, तो आंसर क्या मिलेगा, कॉमन पोटेंशियल ही बोला है डायरेक्ट, तो कॉमन पोटेंशियल क्या मिला 800, तो आंसर बी मिला, ओके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी एंड टू सी कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट किया, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, यहाँ पे क्या है, बैटरी डिसकनेक्टेड, बैटरी डिसकनेक्टेड मतलब चार्ज कांस्टेंट रहता है, चार्ज कैसा रहता है, कांस्टेंट, राइट। फिर क्या बोला है, द बैट एंड द रीजन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर सी इज कम्प्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, ये कम्प्लीटली फिल्ड किया, तो के टाइम्स बढ़ गया इसका कैपेसिटेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, अब जब भी कनेक्ट करते हैं ना तो कॉमन पोटेंशियल लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ बैटरी डिसकनेक्ट हो तो चार्ज के फॉर्म में निकल, तो पहला चार्ज कितना आएगा, पहले इनिशियल क्यू वन आएगा सी इंटू वी, दूसरे पे कितना आएगा टू सी इंटू वी, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बाय क्या आएगा सी वन प्लस सी टू, सी वन और इसको ऐसा बोलेंगे Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2, चलो तो Q1 कितना आएगा दोस्तों सी वी प्लस Q2, चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहता, पहला जोड़ा रहेगा दूसरा उतना ही रहेगा 2C, लेकिन बाद में देखो अब एक KC हुआ तो दूसरा 2C हो गया, क्यों, क्योंकि C वाले के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला है, तो एक हो गया KC तो दूसरा हो गया 2C, झाला ऊपर आया 3CV, नीचे क्या करना है, सी कॉमन निकालो के प्लस टू, सी सी कैंसिल हो गया, तो कॉमन पोटेंशियल आएगा वी कॉमन बोलो, यहाँ कॉमन पोटेंशियल आएगा थ्री वी बाय के प्लस टू, मतलब आंसर कौन सा आया, सी आंसर आया, ओके ठीक है। देखो अच्छा प्रॉब्लम है, इन द सर्किट स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, स्टेडी स्टेट मतलब बैटरी कनेक्टेड ही रहेगा, प्लस माइनस कनेक्टेड है, तो वोल्टेज अक्रॉस किसके ऊपर चाहिए, देखो कैपेसिटर, अब देखो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, डीसी ब्लॉक होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये ब्रांच हम छोड़ ही देंगे एक्स वाई में का, तो रिमेनिंग सर्किट में कौन कौन रहता है, देखो
रिमेनिंग सर्किट में ये छोड़ दिया तो आर वन और आर टू रहता है। मतलब तो यहाँ इन द सर्किट स्टडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर सी इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ बैटरी ईएमएफ, किसका रहेगा? तो ये रहेगा आर वन एंड आर टू वन। मतलब ये छोड़ दिया तो करंट कितना आता था बोलो, ई बाय आर वन प्लस आर टू। तो वोल्टेज निकालना था तो एक्स वाई में अक्रॉस मतलब इधर निकाल सकते हैं वोल्टेज, हमने कहाँ कहाँ इधर कौन से भी इस एक ये भी एक्स है ये भी वाई है, तो वोल्टेज का क्या आएगा आई आर, मतलब ई इंटू आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। तो आर थ्री कहीं भी नहीं आएगा, ये इधर करंट ही नहीं जाएगा, तो खाली आर वन और आर टू ओनली। टू कैपेसिटर दिया है सी वन सी टू और बैटरी को कनेक्ट किया है। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एज वन मूव्स, कैसा मूव हो रहा है देखो, एज वन मूव्स कहाँ से कहाँ मूव हुआ है देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या दिया है ग्राफ, उन्होंने दिया है वी वर्सेस डिस्टेंस। अब देखो एक बात तो ये सीरीज में एक ही रास्ता है, तो सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, मतलब क्यू चार्ज इज सेम ऑन बोथ कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज कैसा है सेम। तो Q इक्वल टू क्या लेना है बोलो, C1 इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, Q इक्वल टू क्या लेना है C2 इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा बोलो V2। अब देखो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो ग्राफ में देखो ये वायर है, यहाँ पे क्या किया है देखो हमने, हाँ ये वायर है, ये वायर है तो क्या होगा, ये वायर वायर का इक्वी पोटेंशियल, लेकिन आगे देखो एकदम पोटेंशियल बढ़ गया यहाँ राइट, फिर ये वायर के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट रहा, फिर C2 में और बढ़ गया फिर कांस्टेंट। मतलब क्या हो रहा है, ये जो बढ़ रहा है ना ये पोटेंशियल प्लस टू माइनस, यहाँ पे ये माइनस टू प्लस, ये माइनस टू प्लस जा रहा है तो बढ़ गया वो, तो इतना पार्ट किसके लिए C1 के लिए और ये पार्ट किसके लिए C2 के लिए, करेक्ट आया। मतलब क्या हुआ दोस्तों ध्यानपूर्वक देखो कि ये C1 का है और ये C2 का है, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, C1 ज़्यादा होगा क्या C2 होगा, ये पोटेंशियल दिया है तो हमको पता है कि सीरीज में क्या होता है चार्ज सेम होता है सीरीज में, मतलब क्या होगा देखो सीरीज में चार्ज सेम है, तो Q इक्वल टू सी वन वी वन सी टू वी टू, मतलब जिसके अक्रॉस पोटेंशियल कम सीरीज में उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा, मतलब इन सीरीज क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस कम तो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस बोलो ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो कैपेसिटेंस ज़्यादा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम कहाँ है सी वन में है तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा आएगा, मतलब सी वन ग्रेटर दैन सी टू, तो आंसर ये आया। देखो यहाँ अच्छा प्रॉब्लम दिया है, आफ्टर की क्लोज्ड व्हाट इज चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, इनिशियल चार्ज ऑन सी वन कितना है क्यू। तो अभी जब भी की क्लोज्ड बोलते हैं ना दोस्तों तब याद रखते जाओ कि क्लोज बोल दिया कि कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब देखो फार्मूला क्या है, वी वन सी वन प्लस सी टू वी टू बाय सी वन प्लस सी टू। अभी वी वन सी वन मतलब पहला चार्ज दिया है उन्होंने क्यू, हाँ तो वी वन सी वन का प्रोडक्ट ही पहला चार्ज है क्यू। अभी ये सी टू के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो वन चार्ज लेना, क्योंकि इसका ऊपर चार्ज दिया नहीं है पोटेंशियल भी दिया नहीं है, तो वो जीरो हो गया वी टू उसका अनचार्ज्ड है, मतलब ये वी टू जीरो हो गया। तो पोटेंशियल आफ्टर की क्लोज्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज कैपेसिटर इज वी, ये आएगा। अब हमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिला लेकिन चार्ज चाहिए, तो नया चार्ज हम क्यू वन डैश बोलेंगे, सी वन तो बदलता नहीं, सी वन इंटू वी, अब ये आया क्यू बाय सी वन, तो क्या हो गया सी वन कैंसिल क्यू बाय थ्री। क्यू टू डैश निकालना है सी टू वी, सी टू की जगह क्या आएगा बोलो, इन्होंने दिया है सी टू की जगह टू सी वन, तो ये टू सी वन कैंसिल टू क्यू बाय थ्री, ठीक है। तो आंसर कौन सा मिला देखो, क्यू बाय थ्री और टू क्यू बाय थ्री, मतलब आंसर कौन सा मिला, ठीक है, कितना इजी था देखो।
देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो जरा सा, थ्री प्लेट्स दिया है, ए बी सी, हर एक का एरिया दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो हमें एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। अब एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालेंगे, देखो पहले ये डायग्राम को देखो जरा, ये सीरीज में है क्या, पैरेलल में है, क्या किया है देखो इसको, अब हमको देखना पड़ेगा सीरीज में है क्या पैरेलल। पहले देखो ऐसे तीन प्लेट निकाल दिया हमने, एक दो तीन, सब में डिस्टेंस सेम है ए बी सी, और यहाँ लगाया वाला है माइनस, यहाँ प्लस, तो ये जो है ये जाएगा प्लस को, बराबर है, और इधर से भी जाएगा ये प्लस को, तो ये प्लेट 1 2 3 4 प्लस हो गया, 1 2 3 4 प्लस हो गया। अब क्या करना है देखो, ये माइनस है तो 1 2 3 4 माइनस, 1 2 3 4 माइनस हो गया, तो ये पहला और ये दूसरा कैपेसिटर पैरेलल में आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का एक पॉजिटिव कॉमन है और दोनों का नेगेटिव कॉमन है। तो ये देखो ये प्लेट इधर वाला हमारा स्मॉल, ये देखेंगे इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो ए और बी में, ए और ये बी इधर है और सी और डी इधर है, ए डी सब, और ये सी, तो एक ए डी में होगा, एक बी सी में होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से इधर जाएगा 12 वोल्ट को, प्लस नेगेटिव को इधर आएगा ज़रा, तो ये क्या मिलेगा देखो, ये दोनों पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, दोनों पैरेलल में आएगा। अब दोनों पैरेलल आएगा तो इक्विवेलेंट पता है सबको, सी इक्विवेलेंट कितना आता है, C1 + C2, तो 2C, दोनों भी सेम है, तो 2 ε₀/d, लेकिन हमें एनर्जी चाहिए था 1/2 CpV² सी इक्विवेलेंट, जला अब 1/2 2 ε₀/d V² वी यहाँ 12 वोल्ट है वी, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, और पहले फार्मूला लिखेंगे V², अब वैल्यू रखो बाबा, ये 2 2 कैंसिल होगा, तो ε₀/d V² अब ये का वैल्यू तुमको दिया है, ये का वैल्यू कितना दिया है, 50 cm², 50 × 10⁻², ε₀ कितना है 8.85 × -12, V² कितना है 144, व डी 3 mm, 3 × -3, चलो तो 50, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 3 4 12 और 8 जा, तो 50 48, 8.85, और ये -12 और -4 -16 + 3, तो क्या होगा देखो 50, मैं क्या करता हूँ, ये 50 है, थोड़ा 40 से ज़्यादा है, तो इसको 50 50 और इसको 8 मानता हूँ, 50 50 और 8, जबल पास आंसर निकल -13, तो कितना आएगा देखो 50 50, 2500 × 8, 5 × 8 200, और 2 0 × -13 झाला, तो अब क्या होगा, 1 2 3 4, 4 इधर आया, तो 2 × 10⁻¹, मतलब ये आंसर 1, ये चार्ज्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान पूर्वक देखो, कैपेसिटर कितना दिया है देखो, अब कैपेसिटर कौन बोला है, C1, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, चार्जिंग बैटरी डिसकनेक्ट किया और बाद में C2 को जोड़ा, अनचार्ज्ड बोला है C2, हाँ यहाँ बताया, कभी कभी बताते हैं, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैप, अब एक दूसरे को जोड़ा है, मतलब कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, C1V1 + C2V2 / C1 + C2, झलो अब क्या करना है, C1 है, V0, V2 तो 0 है यहाँ, इसके अक्रॉस अनचार्ज है, +0 / C1 + C2, तो आंसर मिलेगा C1V0 / C1 + C2, तो क्या आंसर मिल गया देखो, C1V0 / C1 + C2, कितना इजी था देखो, 2 μF कैपेसिटर है, दूसरा 8 है, द परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच टर्न टू द पोजिशन 2, यहाँ से यहाँ लेके गए, ठीक है, नहीं सॉरी 1 से 2 लेके गए, तो कितना एनर्जी
डिसिपेटेड होता है पॉइंट पे है। तो वन पे जब रहेगा तो एट एट माइक्रो फेराड एक्ट एज अ ओपन सर्किट होगा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। तो क्या आएगा, ये सर्किट ऐसा आएगा, ये वी और ये जमेगा 2 माइक्रो फैराड, ये 2। तो इनिशियल एनर्जी कितना आएगा देखो, 1/2 बोलो सी वी स्क्वायर। मतलब दोस्तों इनिशियल एनर्जी आएगा 1/2 × 2 वी स्क्वायर, मतलब 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सर्किट में अकेला 2 आएगा, ये नहीं आएगा 8 वाला। तो इनिशियल एनर्जी आएगा वी स्क्वायर माइक्रो जूल, माइक्रो जूल क्यों, कैपेसिटर माइक्रो फैराड। अब क्या होगा, ये 2 को हमने इसे इधर डाल दिया स्विच को, तो देखो आप बाद में ये स्विच कहाँ गया है, देखो यहाँ बताता हूँ इधर। तो बाद में स्विच कहाँ गया देखो, 2 पे गया, तो सर्किट क्या बनेगा देखो, ये वी ऐसा ही है, 1 ऐसा ही है, ये गया देखो 2 पे, झल यहाँ से ये गया 2 पे, और आगे कौन लगाया बोलो, 8। तो ये 2 आया, ये 8 आया। तो सर्किट में क्या हुआ था बोलो, ये चार्ज हो चुका था, इसके ऊपर वी वोल्टेज से चार्ज हुआ था, ये वी से पहले। अब क्या होगा, इसका वी है, अब कॉमन पोटेंशियल, जब भी दो कोई जोड़ता है ना तब कॉमन पोटेंशियल ले लो। अब वी इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, C1V1 + C2V2 / C1 + C2। टर्मिनल कुछ भी बोला नहीं, नेगेटिव का पॉजिटिव, तब ये ले रहा वी कॉमन। चलो अब वी कॉमन जब भी जोड़ेंगे ना तब वी कॉमन, तो C1 कितना है हमारे, ये है C2 है, 2 × V। अब 8 जो था पहले सर्किट में नहीं था, याद रखो ये 8 जो है ना ये पहले सर्किट में नहीं था, तो ये अनचार्ज्ड है, तो अनचार्ज पे पोटेंशियल 0, मतलब ये V2 0 आया इसके ऊपर, तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 आया। अब 2 + 8 तो आंसर आएगा 2/10 V, मतलब 1/5 V। आंसर कितना आया देखो, 1/5 कॉमन। अब नया एनर्जी निकाल देंगे, तो नया एनर्जी क्या आएगा देखो, यू फाइनल कितना मिलेगा, 1/2। 2 और 8 किस में है, 2 और 8 पैरेलल में है, दोनों का एडिशन करो तो सी इक्विवेलेंट इनटू वी कॉमन बाद में का स्क्वायर। अब फाइनल कितना आएगा देखो दोस्तों, फाइनल कितना आने वाला है, यहाँ फाइनल आने वाला है 1/2। सी इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो, 10 2 + 8 माइक्रो फेराड। वी स्क्वायर कितना है, 1/5 V² झाल। तो क्या मिलेगा देखो, फाइनल एनर्जी 1/2 10 1/25 V² तो ये आएगा 5, ये 5 25 5, तो फाइनल एनर्जी आया V² / 5 माइक्रो जूल। लॉस निकाल देंगे हम और डेल्टा एच बोल देंगे हीट, तो क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, परसेंटेज निकालना इनिशियल इंटू 100। सॉल्व करो, हाँ इनिशियल कितना है, V² है, -V² / 5 है, और इनिशियल है V² इंटू कितना है, 100। तो ये कितना आएगा, 5V² - V² 4V² / 5V² इंटू 100 आएगा परसेंटेज बोलो, 80% है, 80% कि यहाँ ये जोड़े वाला है शायद। देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ए, इस ए के अक्रॉस और 7 माइक्रोफेराड के अक्रॉस व्हेन स्विच एस इज क्लोज। ये दोनों किस में आएंगे बोलो, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो ये 3 4 7 होगा और ये 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। खाली इसको ऐसा कर देंगे फास्ट में, 21 7 28 झेलो, 21 7 28 ये क्लिक की क्लोज कर दिया ये। तो ये इसका ईएमएफ दिया है, सॉरी ये दिया है 59 वोल्ट है, प्लस माइनस 59 वोल्ट झाला, की क्लोज किया। अब
तो ये 3 और 4 कितना आया बोलो, 7 आया। 2 और 1 कितना आया बोलो, 3 आया। झाल अब क्या होगा दोस्तों, प्लस से चार्ज निकलेगा और ये चार्ज जो है हम क्यू मानेंगे। तो ये एक अब हम किरचॉफ्स का लॉ लगाएंगे, मतलब KVL डेल्टा V इक्वल टू 0। चलो अब क्या करना है ज़रा देखो बाबा, एकदम अच्छा लगाएंगे लॉ। कैसे लगाएंगे देखो, कहाँ से शुरू कर देंगे, इसको नाम देंगे हम एक्स वाई झेड और एक्स वाई झेड और इधर पी बोलता हूँ। तो लगा देंगे हम, ये हमारा ये कैपेसिटर, इसके अक्रॉस निकालना है, ध्यान पूर्वक देखो। तो अप्लाई KVL टू लूप एक्स वाई झेड पी एक्स। चलो अब एक्स से शुरू कर देंगे तो चार्ज यहाँ प्लस, हमेशा चार्ज बैटरी के प्लस से लाओ, तो यहाँ आया तो कितना होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक ही रास्ता है प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इधर डेल्टा वी कितना आएगा बोलो, क्यू क्यू इक्वल टू सी वी, तो वी इक्वल टू क्यू बाय सी, क्यू बाय 21। लेकिन साइन क्या आएगा बताओ, साइन मिलेगा दोस्तों माइनस, माइनस क्यू प्लस टू माइनस जाएगा। अब नीचे चलो, माइनस क्यू बाय 7, आगे चलो माइनस क्यू बाय 28, आगे चलो माइनस क्यू बाय 3, आगे चलो माइनस क्यू बाय 7। हाँ इक्वल टू, यहाँ देखो, यहाँ बैटरी के रेड कलर से दिखाता हूँ, बैटरी से निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो प्लस 59 इक्वल टू 0। अब इसे तुम क्या कर देंगे, ये माइनस को एक साइड लेंगे, मतलब उधर लेके जाएंगे, तो 59 इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू बाय 21 प्लस क्यू बाय 7 प्लस क्यू बाय 28 प्लस क्यू बाय 3 प्लस क्यू बाय 7 इक्वल टू 59। झाला अब मैं क्या करता हूँ, देखो 21 है 7 है तो 84 निकालता हूँ LCM, तो LCM 84 निकाला तो क्या आएगा देखो बरा, 84 निकाल देंगे LCM, ये जल्दी समझ में आया। तो यहाँ कितना आएगा, 4Q आएगा, यहाँ कितना आएगा, 12Q आएगा, यहाँ कितना आएगा, 3Q आएगा, यहाँ कितना आएगा, 28Q आएगा, यहाँ कितना आएगा, 12Q आएगा, इक्वल टू कितना मिला, 59। चलो अब आगे चलेंगे हम, आगे क्या होगा बोलो, यहाँ पे इतना हुआ, KVL अप्लाई किया तो क्यू निकालता हूँ पहले, अब इसको निकालो क्यू, तो ये कितना आएगा बोलो ज़रा मुझे, इन सब का 12, 12, 24, 28, 28 और ये 3 कितना, 31 और 28 मतलब 59 आया। वाह, तो 59 क्यू आया बाय इक्वल टू 59 बाय 84। अब 59 कैंसिल हुआ तो क्यू कितना आया, 84 माइक्रो कूलम। झाला, तो ये चार्ज ऐसा घूम रहा है 84 माइक्रो। अब हमें ये क्या क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, तो क्यू इक्वल टू सी वी है तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी है, तो क्यू कितना आया था बोलो, 84 आया और ये कितना है 7, तो कितना मिलेगा देखो, 7 × 1 = 7 और ये 1 × 2 तो मत मिला 12 वोल्ट। कितना अच्छा प्रॉब्लम था देखो दोस्तों, की क्लोज करने के बाद हमें यहाँ इस कैपेसिटर पे वोल्टेज निकालना था। देखो यहाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट चार्ज फ्लो, और डायरेक्शन भी बताना है स्विच क्लोज करने के बाद। अभी यहाँ ध्यानपूर्वक देखो, ये है 2 माइक्रोफेराड का, ये हमारा 2 माइक्रोफेराड है, ये 3 माइक्रोफेराड, ये 3 और 2 है। अब की क्लोज करने के बाद तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक की ओपन होने के बाद और की क्लोज होने के बाद। ये ओपन की के लिए यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पे ये ओपन, यह हमारा ओपन की के लिए और ये क्लोज्ड के लिए, ठीक है। अब देखो ओपन की में क्या था, ये 2, 3, 3 वही डायग्राम है। तो यहाँ 10 वोल्ट है, तो पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 × 3 बाय 2 + 3 6/5 आएगा ऊपर का ब्रांच,
और नीचे भी 6/5 आया, तो ऊपर कितना चार्ज आएगा बोलो, क्यू इक्वल टू सी वी, 6/5 × 10, इतना नीचे भी वही है तो 2 12 जाएगा, और सीरीज में सेम चार्ज, मतलब इसके ऊपर प्लस माइनस 12 μC, प्लस माइनस 12 μC, इधर भी वही होगा, क्या होगा देखो, इधर भी वही होने वाला है, प्लस प्लस माइनस 12 μC, इधर भी होगा प्लस माइनस 12 μC, झाला। अब की क्लोज करने के बाद क्या होगा, की क्लोज करने के बाद देखो ये दोनों, ये 2 और 3 जो है वो पैरेलल में आएगा, तो ये इसका 5 के जैसा काम करेगा, 3 और 2 5, और ये 5 5 है, और यहाँ पर कितना आएगा 5 वोल्ट, और इधर भी कितना आएगा दोस्तों 5 वोल्ट। तो अब नया चार्ज कितना आएगा बताओ, ये 5 वोल्ट है मतलब 2 इन चार्ज कितना, 2 इन Q इक्वल टू CV, तो 5 × 2 कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा प्लस माइनस, यहाँ 3 × 5 कितना आएगा प्लस माइनस 15 μC आएगा, यहाँ कितना आएगा बोलो प्लस माइनस कितना होगा देखो, 5 है तो 15 μC आएगा, यहाँ प्लस माइनस 10 μC आएगा, झाला। मतलब क्या हुआ देखो, पहला ये पहला था, सॉरी ये पहला था 12, तो अब नया कितना आया 10, पहला था कितना था 12 12, फिर कितना नया आया 15, यहाँ पहले देखो, यहाँ पहले कितना था 12 पहले, अब नया कितना आया 15, यहाँ पहले था कितना था 12, नया कितना आया बोलो 10। तो क्या हो रहा है जरा ध्यानपूर्वक देखो, इधर पहले माइनस 12 था, अब -10 हो गया, मतलब यहाँ पे +2 ऐड कर देंगे हम, जाला +2 μC इधर ऐड हो गया, इधर आ गया। अब यहाँ पे पहले कितना था 12 था, और +15 आ गया इस प्लेट पे, +15 इस प्लेट पे, तो यहाँ से 3 इधर गया, 3 μC। अब इस जंक्शन पे ऊपर जाने, इधर जंक्शन से, ये जंक्शन से इधर 2 जा रहा है, इधर 3, तो आने वाला आने जाने वाला चार्ज इक्वल टू आने वाला, तो ये 100% 5 μC चाहिए, झाला। तो आंसर B2A 5 μC आएगा, B2A मतलब ऑप्शन ए आएगा। और नीचे भी टैली कर सकते हैं, नीचे देखो पहले कितना था 12 था, अब कितना आ रहा है 15 आ रहा है, मतलब इधर क्या हो रहा है -12 था, -12 का -15 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है इधर भी वही हो जाएगा, और इधर देखो इधर प्लस प्लस इस प्लेट पे क्या था +12 था, तो +10 हो गया, तो 2 कम हो गया इधर 2, और इधर 2 है तो इधर कितना आना चाहिए बोलो 3, मतलब ये 12 था तो ये 3 इधर आ गया, ऐसा 3 आया तो 15 हो गया, और ये -12 का -15 आ गया, तो -3 आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर गया उल्टा, जाला ये 3 + 2 5, ये 5, मतलब आंसर कौन सा आएगा 5 μC फ्रॉम B2A। देखो तो आंसर आएगा 5 μC फ्रॉम B2। देखो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल ऑन क्लोजिंग द की के, की क्लोज करने के पहले, की को क्लोज करने के बाद कितना चार्ज फ्लो होगा, तो इसके दो पार्ट है, ओपन पहले ओपन की था और बाद में हमने की क्लोज किया, दो पार्ट है। तो ओपन में क्या करना है, इस की को भूल जाना, बाकी का सर्किट देखो, सी ये तीनों देखो यहाँ पे 1 ये 2 ये 3 पैरेलल में है, तो कितना आएगा आंसर 3C आएगा, बराबर है। तो ये कितना हुआ देखो, अब देखो पहला चार्ज निकालेंगे, तो पहला कैपेसिटेंस कितना आया बताओ, पहला कैपेसिटेंस मिल गया 3/4C। अब इनिशियल चार्ज कितना आएगा देखो, इनिशियल चार्ज आएगा Q इक्वल टू CV, तो 3C/4 × V इनिशियल चार्ज आया, दोनों अभी सीरीज में, दोनों पे इनिशियल चार्ज सेम था, मतलब ये पहला बताया मैंने। अब की क्लोज करने के बाद क्या होगा देखो बारा, ये की क्लोज करते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल वायर से जोड़ा जाएगा, ये वायर आएगा की क्लोज किया तो, ध्यानपूर्वक देखो ये वायर आएगा। अब वायर से क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा, ये पूरा सर्किट शॉर्ट सर्किट होगा। अब शॉर्ट सर्किट होगा मतलब क्या होने वाला है ज़रा बताओ, शॉर्ट सर्किट होगा मतलब ये वायर जैसा काम करेगा, मतलब सर्किट में ये वायर का काम करेगा बस, झाले इधर खाली वी और अकेला सी आएगा सर्किट में। तो क्या होगा, नया चार्ज निकालो, क्यू डैश बोलो, क्यू डैश इक्वल टू सी इंटू वी, कितना हुआ सी वी। अब पुराना चार्ज कितना था देखो, पुराना चार्ज था 3/4 CV, नया चार्ज आया क्यू डैश, तो
कितना चार्ज फ्लो होगा, कौन बड़ा है, देखो क्यू डैश बड़ा है क्योंकि बाद में कैपेसिटेंस बढ़ गया, पहले कैपेसिटेंस कम था। तो क्यू डैश माइनस क्यू करो, सी वी माइनस थ्री सी वी बाय फोर करो, फोर इधर गया तो सी वी बाय फोर, तो आंसर आया देखो सी वी बाय फोर। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द स्विच यस व्हेन इट इज़ क्लोज, ये स्विच को हमें क्लोज करना है दोस्तों। अब अगर चार्ज फ्लो, यहाँ जीरो आंसर आता क्या पता नहीं, चार्ज फ्लो होता होगा तो क्या होता होगा, देखो याद पूर्वक करो, हम पहले क्या कर देंगे, यहाँ प्लस माइनस उन्होंने ऑलरेडी दे चुका है, अब हम इसको अप्लाई कर देंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, इस लूप को ऐसा जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। तो क्या बोल रहा है, अप्लाई के वी एल मतलब डेल्टा वी टेंस टू जीरो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं इधर हूँ, यहाँ पहले कैपेसिटर में प्लस टू माइनस जा रहा हूँ, ये प्लस है माइनस है, तो माइनस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस क्यू बाई सिक्स, इधर प्लस टू माइनस जा रहा हूँ माइनस क्यू बाई थ्री, आगे माइनस टू प्लस जा रहा हूँ प्लस क्यू बाई टू इक्वल टू जीरो, सिक्स एल सी एम लिया माइनस क्यू माइनस टू क्यू प्लस क्यू बाई टू, तो इधर भी माइनस क्यू बाई टू प्लस माइनस क्यू बाई टू आया प्लस क्यू बाई टू जीरो, मतलब यहाँ चार्ज फ्लो हुआ नहीं। कोई इसे ऐसा दूसरे मेथड से भी बताता कैसा, देखो दूसरे मेथड से बताता हूँ, ऊपर कैपेसिटर कितना है टू प्लस माइनस, और उसका चार्ज कितना है क्यू, तो उसका ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, इसके ऊपर क्यू बाई टू पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब नीचे देखो दोनों है सिक्स और थ्री है, दोनों के सीरीज में चार्ज क्यू है, इसका इफेक्टिव निकालो बरा, सिक्स और थ्री का इफेक्टिव कितना आता, सिक्स इंटू थ्री बाई सिक्स प्लस थ्री मतलब टू आएगा, मतलब नीचे भी टू माइक्रो फेराड आया, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्यू बाई टू, मतलब ये दोनों पॉइंट कैसे हो गए, इक्वी पोटेंशियल हो गए, तो चार्ज फ्लो होने वाला नहीं। कोई ऐसा भी सवाल कर सकता है, कैसे भी करो तुमको आंसर मिलना चाहिए।